दोस्तों पारस ऑफिशियल जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के एमएलए के ऊपर रेसिस्ट कमेंट्स पास किए थे, दोस्तों उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने जो है पंजाब पुलिस को कांटेक्ट करवाने के बाद पारस को जो है पकड़वाया था पंजाब से और फिर उनको अरुणाचल प्रदेश जाना पड़ा। तो अब जाके फाइनल रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल जो है वो 6 दिन रहेंगे कस्टडी में और उसके बाद जो है फाइनल डिसीजन बताई जाएगी कि वो जेल जाएंगे। आखिर जाएंगे तो 3 साल के लिए जाएंगे या 5 साल के लिए जाएंगे। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के न्यूज चैनल से एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक क्लिप प्ले करके दिखाऊंगा अरुणाचल प्रदेश के पुलिस इंस्पेक्टर ने आखिर क्या बोला उनको गिरफ्तार करने के बाद। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एमएलए साहब है ये हमारे और ये कहाँ के एमएलए हैं पढ़ लेते हैं पहले हम। अरुणाचल प्रदेश, ओके। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना। ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के है। दिस इज अ प्रेस ब्रीफ रिगार्डिंग द पारस केस। वी हैव इंटरोगेटेड मिस्टर पारस एक्सटेंसिवली। वी हैव कम टू नो दैट ही हैज टू YouTube चैनल्स व्हिच ही बीन रनिंग फॉर द पास्ट 3 odd years एंड हिज 22 इयर्स ऑफ एज लिव्स विद हिज मदर एंड हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज through these two YouTube channels. Both of these channels are monetized. So what does he do is that one channel is named as Paras Official, one is named as Paras Gamer. The videos that he is making gain traction and through which he earns most of his money. So when he saw this video, when he saw this letter on the Twitter handle of HMLA sir, he got agitated and he tried to make a video regarding it so that it'll be on a controversial topic. The more controversy it creates, the more views he will get. So he tried to make a controversial video in which he uttered anti-India sentiments and he also hurt the feelings of the populace of Arunachal Pradesh. And so the only aim of that was to create a base to increase his reach, to increase the views so that he could earn more money.